हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एसएस मार्केट न्यूज में। बड़ी धमाकेदार रिलायंस की तरफ से कि फार्मा कंपनी को ही खरीद डाला। रिलायंस ने 620 करोड़ रुपए में एक फार्मा कंपनी है नेटमेड्स। जी हाँ दोस्तों, नेटमेड्स कंपनी है उसको रिलायंस ने अभी खरीद डाला है 620 करोड़ रुपए में। यानी कि रिलायंस का इशारा साफ है कि वो हर सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं। देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्रीज को उन्होंने खरीदा है 3 रुपये पे और शेयर चला गया है 61 रुपये का हाई शेयर लगा चुका है। यानी कि रिलायंस जहाँ पर भी अपना दाव खेल रहा है तो इसका दाव सीधा ही पड़ रहा है। यहाँ पर देखेंगे तो अभी फार्मा कंप्यूटर में रिलायंस ने यहाँ पे कदम रखा है और कंपनी का नाम है नेटमेड्स। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं बड़ी डील रिलायंस की तरफ से और कंपनी दवा बेचने वाली कंपनी नेटमेड्स को 620 करोड़ रुपए में यहाँ पे खरीद लिया है, जो कि यहाँ पे आपको रेट अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपको रेट यहाँ पे दिख गई होगी कि 620 करोड़ रुपये में रिलायंस ने इस फार्मा कंपनी को खरीद डाला है। तो रिलायंस का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है कि फार्मा सेक्टर में रिलायंस ने अभी कदम रखा है, तो चौंकाने वाला यहाँ पे रिलायंस का टारगेट देखने को मिलने वाले हैं टेक्निकल चार्ट पर। तो यहाँ पे पूरी खबर आपके लिए मैं लगा देता हूँ और आप भी देख सकते हैं, पूरी खबर आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्योंकि देख सकते हैं रिलायंस ने 620 करोड़ रुपए में यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदी है। और यहाँ पे देखो एक इंटरव्यू यहाँ पे जारी किया है और इसके अलावा ये कंपनी की 60% हिस्सेदारी किस किस कंपनी में है, किस किस नाम से इसको जाना जाता है, सारी यहाँ पे डिटेल दी गई है। चलिए अब इसके बारे में अपन टेक्निकल चार्ट पर चलते हैं कि रिलायंस की बड़ी न्यूज यहाँ पे है और रिलायंस का टेक्निकल चार्ट क्या इशारा कर रहा है कल के इंट्राडे के टारगेट के लिए, क्योंकि जो भी कोई भी खबर आती है ना उसका इफेक्ट दूसरे जरूर देखने को मिलता है। चलिए तो यहाँ पे टेक्निकल चार्ट अपन आ चुके हैं और टेक्निकल चार्ट का ऐसा रख रहा है रिलायंस का, वो भी अपन देख लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, रिलायंस का यहाँ पे जो टेक्निकल चार्ट भी ओपन होने दीजिए, ओपन होती है आपको मैं बता दूंगा कि रिलायंस का यहाँ पे टारगेट क्या होने वाला है। जो देखो हाँ, कैंडल्स के ही दोस्तों यहाँ पे हिसाब सारे मिल रखे, यहाँ पे रिलायंस सपोर्ट लिया है। सॉरी दोस्तों, रिलायंस ने यहाँ पे जो 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिए। देखो तो कंपनी ने जो कंपनी का शेयर यहाँ पे बिल्कुल इसको इसने जो इंटरनल एनगल्फिंग जो पैटर्न बनाया है उसमें दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डोजी फ्लाई जो कैंडल है उसके जो है पिछला इसका लो है वहाँ से इसने सपोर्ट लिया है। यानी कि रिलायंस कलाब को गैप अप के साथ खुल सकता है और इसका जो पहला ही टारगेट होगा वो होगा 2150 का पहला टारगेट होगा। ध्यान देंगे 2150 का पहला टारगेट होगा। अगर इस 2150 के इस जो ये स्प्रिंग टॉप कैंडल है इसको ब्रेकआउट देता है रिलायंस, ध्यान देंगे 2170 तक की भी रिलायंस टारगेट आपको दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं के दोस्तों अभी कर डाले। बाय बाय दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। और जो भी सजेशन दोस्तों इंटरेस्ट है व्हाट्सएप के माध्यम से ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, छोटी सी गाइडलाइंस फॉलो करके दोस्तों आपको मैं ऐड करूँगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद जय भारत।